दोस्तों ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक BS7। इसका ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर, सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले दोस्तों। तो देख सकते हैं ये 2023 मॉडल है, 6/2/2023 का, और सारी डिटेल्स आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्रंट पर इस तरह से आपको लुक मिलेगा, जो कि DRL लाइट 3500 का हेलोजन बल्ब। जब से स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक वर्जन में आई है तो ये फीचर आपको मिला है। लेकिन BS7 में आपको नया क्या देखने को मिलेगा ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर आप फ्यूल टैंक भी देख सकते हैं। तो एक्सट्रैक के वर्जन में आपको यही वाला मॉडल मिलता था जो कि आप देख सकते हो अब उसके बाद दोस्तों। लेकिन जो नया हुआ है यहाँ पर अगर आप देखेंगे E20, ये देखिए, यानी कि इथेनॉल 20% से चलेगी ये बाइक जो है। और क्या नया फीचर हुआ ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंजन में दोस्तों, तो इंजन जो होता है ये पहले जैसे कि पेट्रोल से ही निश्ता चलता था, यानी कि टोटल। लेकिन अब यहाँ पर इथेनॉल 20% चलेगा, यानी कि इससे आपका प्राइस कम होगा, माइलेज आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी सस्ता पड़ेगा। और हाँ, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई BS7 फ्लेक्स फ्यूल वाली इथेनॉल वाली आने से क्या पहले वाली पेट्रोल वाली चलेगी, या फिर हम पेट्रोल डलवा सकते हैं? नहीं तो पेट्रोल ही पड़ेगा, पहले वाला ना ख़राब होगा ना ये वाला, ठीक है? तो दोनों बाइकें चलने वाली हैं। अब नया ये चीज़ आप होल्डर दे सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ कंपनी ने बाहर कर दिया, इसको पहले अंदर कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कंपनी ने अलग से दिया है। ये चीज़ बहुत ही गजब का काम हुआ है। तो ये चीज़ देने से थोड़ा सा लुक भी बढ़ जाता है और सेफ्टी भी बेहतर रहती है। तो इंजन आपका वही रहेगा, लेकिन हाँ, अब माइलेज 60 से 65 देता था पहले, लेकिन अब आपको 70 से 75 का माइलेज देगी। इंजन सेम है, बस ये इथेनॉल वाली है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में डिफरेंस हो गया है। बाकी आप देख सकते हैं 4 गियर साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर, और पावर स्टार्ट, सेल्फ फोर्किक दोनों स्टार्ट। यहाँ पर फ्यूल टैंक पर आपको हीरो की ब्रांडिंग, और यहाँ पर E20 की आपको ब्रांडिंग मिलेगी, सेल्फ फोर्किक दोनों स्टार्टर मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मीटर के, तो सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रैक जो आई है दोस्तों, यही मीटर उसमें दिया है कंपनी। देख सकते हैं ब्लूटूथ वाला, कॉल, मिस कॉल, ये सारी चीज़ें दिया है कंपनी ने। ये देखिए, ये चीज़ काफ़ी बेहतर काम किया है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग भी मिल जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पर इग्निशन दिया गया है, मोड दिया गया है, मोड यहाँ पर आप ट्रिप ए, ट्रिप बी और ऑडियो, ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं, और मोबाइल को कनेक्ट करके बढ़िया आराम से चला भी सकते हो। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। अब साइड स्टैंड जैसे यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर साइड स्टैंड का सेंसर भी दिया है, इंडिकेटर का दिया गया है, पासिंग का दिया गया है, एफआई लाइट और लो फ्यूल वार्निंग, पेट्रोल ख़त्म होगी तो ये बाइक बताएगी आपको। ये चीज़ काफ़ी बेहतर काम किया है। और टायर जो है दोस्तों वही वाला आपको मिलेगा, 8018 का ट्यूबलेस टायर, 130 mm का ड्रम ब्रेक, टेलीस्कोपिक साकर, और यहाँ पर आप मेडगार्ड भी पूरा आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। और फ्रंट का जो लुक है वो स्प्लेंडर एक्सट्रैक आप देख ही रहे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी बेहतर है बाइक, और इसमें जो है पहले से काफ़ी बेहतरीन सुधार हुआ है। और ये चीज़ आपको देखेंगे अगर आप, तो पहले वाली जो आती थी और ये वाली में किसी भी डिफरेंस पे जो है आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, यानी कि किसी भी एंगल से, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 20% जो लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पर, ये चीज़ का डिफरेंस मिलेगा E20 का, बाकी आपका जो है वही बाइक रहने वाली है, देख सकते हैं। और यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक की ब्रांडिंग आपको पहले भी और अभी आपको मिल रही है, इंजन भी आप देख सकते हो इस तरह से रहेगा, और पीछे का जो टायर है ये भी आपको सेम टू सेम मिलेगा, सस्पेंशन सेम टू सेम, ये सारी चीज़ें कोई भी डिफरेंस नहीं। और E20 की खासियत जो है इथेनॉल 20% से चलेगा, और ये गन्ने के रस से किसानों की मेहनत का फल है, और उसके बाद ये आपको सस्ता भी पड़ेगा, माइलेज भी ज़्यादा देगी, और ये चीज़ नई टेक्नोलॉजी कंपनी ने किया है काफ़ी अच्छा। आज 20% हो सकता है, फ्यूचर में कुछ ज़्यादा भी हो जाए तो और भी पेट्रोल आपका सस्ता पड़ेगा, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो लगभग 92 से 93 हज़ार ऑन रोड प्राइस है। बाकी अच्छी प्राइस के लिए आप शोरूम पर विजिट करें, यहाँ पर आपको और भी कम प्राइस में मिल सकता है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।